नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, PTT की नई अपडेट ये है कि कल लास्ट डेट है आपकी फ़ीस जमा कराने की। जिन जिन विद्यार्थियों को चौथी लिस्ट के दौरान जो सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, उस चौथी लिस्ट के दौरान जिन जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गई है, तो आप सभी से निवेदन है, आपको कितना भी दूर कॉलेज मिला हो, यदि आपको बीएड करनी है तो फटाफट से दोस्तों, 8 तारीख लास्ट डेट है, उसके अंदर आप फटाफट से फ़ीस जमा करवा दीजिए और 9 तारीख तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों उन वाले विद्यार्थियों के बाद जिनको कॉलेज मिल गया है। अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या उनके कम नंबर थे, और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है VMU स्कैम के नाम से। जी हाँ दोस्तों, VMU स्कैम के नाम से मैंने ऑलरेडी YouTube पर वीडियो बना दी है, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लेना। लगभग 4000 विद्यार्थियों ने उस वीडियो को लाइक किया है, 4000 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देख लिया है और काफ़ी अच्छा है वहाँ पर प्यार रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया है कि VMU ने क्या क्या गलती करी है। सबसे बड़ी गलती करी है VMU ने आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका अपवर्ड मूवमेंट होता तो बहुत सारे विद्यार्थियों को जो कॉलेज है वो चेंज हो जाता और इतनी सीटें खाली भी नहीं रहती, क्योंकि चेंज हो जाता तो वो रिपोर्टिंग करवा देते जो नया कॉलेज मिलता उनको उसमें। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, जबकि PTT VMU ने, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने PTT की परीक्षा भी करवाई है, BSTC की परीक्षा भी करवाई है। BSTC में तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप PTT के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, उन्होंने उठा दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों, जो भेदभाव इन्होंने किया है। BSTC वालों को तो अपवर्ड मूवमेंट का मौका दे दिया है, लेकिन PTT वालों को नहीं दिया है, सबसे बड़ी गलती ये है। और विद्यार्थियों ने क्या क्या गलती करी है वो भी मैंने वहाँ पर बता दिया है। जैसे कि आप ई मित्र वाले के पास जाते थे तो ई मित्र वाला अपने हिसाब से वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर देता है, तो शुरुआत में जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं वो यदि आपने दूर जिलों की भर दी, अब वहाँ पर ई मित्र वाले की गलती हो सकती है कि उन्होंने दूर कॉलेज भर दी होगी आपकी शुरुआत में अलग ज़िले की, तो वो दूर मिल गई, इस वजह से आपने भी वहाँ पर नहीं करवाया होगा। तो ये ई मित्र वाले की बहुत बड़ी गलती होती है और आपकी भी गलती होती है। कॉलेज की लिस्ट देखकर आपको स्वयं वहाँ पर देखकर भरना चाहिए, और जितनी ज़्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा सेलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपने ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट नहीं की होगी और राजस्थान पर क्लिक भी नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अब आपका जो इंतज़ार है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। कल लास्ट डेट है, 8 तारीख है, और कल जो है यहाँ पर फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, उसके बाद में रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट है 9 तारीख। उसके बाद में कितनी और सीटें खाली रहती हैं उसके आधार पे PTT VMU डिसाइड करेगा कि आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, थर्ड जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, या फिर इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जो बिना बताए आपको वेटिंग लिस्ट का जो रिजल्ट है वो इन्होंने घोषित किया है, क्या इसी तरीके से करवाई जाएगी या फिर रीचॉइस के फॉरम भरवाए जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी अपडेट आएगा तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिन भी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारे डायरेक्ट इस चैनल से जुड़ सके और जो नई वीडियो की सूचना है उसको तुरंत आप देख सके। तो यहाँ पर 5वीं लिस्ट दोस्तों जारी हो सकती है, क्योंकि सीटें बहुत सारी खाली हैं। स्टूडेंट्स हैं, एक तो VMU और जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने गलती क्या करी है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो भी आप देख सकते हैं जाकर चैनल पे। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, अर्थात इसकी एक ट्रिक है, गणेश जी ने बीएससी किया, बी का मतलब भाद्रपद, एस का मतलब शुक्ल और सी का मतलब चतुर्थी। तो भादवे की शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और इसके 10वें दिन बाद अर्थात जो चतुर्दशी आएगी पूर्णिमा से जस्ट पहले, उसको इसका विसर्जन हो जाएगा और पूर्णिमा से श्राद्ध जो कनागत हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत कुछ जानकारी दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर दे दी है। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और दोस्तों बार बार आप PTT की वेबसाइट को भी चेक करते रहें, क्योंकि सारा कुछ अपडेट वहीं पर आएगा। यदि आप साइट पर चेक नहीं करोगे तो फिर तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।